दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली ये है कि क्या एलियन सच में मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। इंसान ने चांद से लेकर सूरज तक मिशन भेज लिए, लेकिन अब तक एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला है। इस बीच एलियंस को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। कहा गया है कि एलियंस को 50 साल पहले ही ढूंढ लिया गया था। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन के फैकल्टी मेंबर और एस्ट्रोबायोलॉजी प्रोफेसर डर्क शुल्ज मकुच का कहना है कि एलियंस को 50 साल पहले ही ढूंढ लिया गया था, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अनजाने में सबको खत्म कर दिया। उनका दावा है कि एलियंस की खोज सूक्ष्म जीव के तौर पर हुई थी जो मंगल ग्रह की मिट्टी में रह रहे थे, मगर नासा की गलती के चलते वे सभी मारे गए। दरअसल नासा ने 1970 के मध्य में वाइकिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत मंगल ग्रह पर दो लैंडर भेजे गए। मिशन के जरिए दुनिया ने पहली बार मंगल ग्रह की सतह की तस्वीर को देखा। लाल ग्रह पर जीवन की संभावना की जांच के लिए इसकी मिट्टी का जैविक विश्लेषण भी किया गया। प्रोफेसर के मुताबिक मंगल ग्रह पर कई तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए ताकि उसकी मिट्टी की बनावट को समझा जा सके। वाइकिंग प्रोग्राम के तहत किए गए एक्सपेरिमेंट के हिस्से के तौर पर पोषक तत्व मिले हुए पानी और रेडियो एक्टिव कार्बन को मंगल ग्रह की मिट्टी में मिलाया गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर मंगल ग्रह पर संभावित सूक्ष्म जीव होंगे तो वे जीवन के लिए पोषक तत्वों को खाएंगे। इससे रेडियो एक्टिव कार्बन गैस बाहर निकलेगी, जिसे डिटेक्ट कर मंगल ग्रह पर एलियंस जीवन की पुष्टि कर दी जाएगी। यहां हैरानी की बात यह है कि शुरुआती नतीजों में रेडियो एक्टिव गैस बाहर भी निकली, मगर सूक्ष्म जीवों के बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। एस्ट्रोबायोलॉजी प्रोफेसर डर्क शुल्ज मकुच का कहना है कि नासा के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से सूक्ष्म जीवों को जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व मिल गए होंगे, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई होगी। प्रोफेसर डर्क शुल्ज मकुच ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी मौजूद है, हमें लगता है कि अगर हम मंगल ग्रह की जमीन पर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां मौजूद सूक्ष्म जीव उससे रिएक्ट कर अपनी मौजूदगी बता सकते हैं। ये दृष्टिकोण कुछ हद तक बहुत सही है। वह कहते हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद रहे सूक्ष्म जीवों के पास पानी को संभालने की ताकत नहीं रही होगी, जो उनकी मौत की वजह बनी। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान को रेगिस्तान में अधमरी हालत में पाया जाता है, फिर वो इंसान किसी को मिल जाता है और वह व्यक्ति इंसान की जान बचाने के लिए उसे पानी देता है, मगर मीठा पानी देने के बजाय इंसान को खारे पानी वाले समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसकी वजह से इंसान की जान बचने के बजाय उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए नया मिशन भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही 7 मई 2022 को नासा ने एक तस्वीर को आधिकारिक रूप से जारी किया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर बिल्कुल सच्ची है। इसे नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर खींचा है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई थी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में वहां एक ऐसी आकृति दिखना जिसे लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा हो कि इसे किसी दिमाग वाले जीव ने बनाया है, जिसे हम एलियन कह सकते हैं, तो ये बड़ी बात है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मत बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश भले ही कर रहे हैं, लेकिन इस आकृति को लेकर वह ऐसा कुछ नहीं कह रहे। दुनिया भर के वैज्ञानिक नासा के रोवर द्वारा भेजी एक तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में एक ऐसी चीज दिख रही है जो प्राकृतिक रूप से तो शायद नहीं ही बनाई जा सकती। यह देखने में बिल्कुल वैसी है जैसे इसे किसी ने बड़े दिमाग से और बड़ी मेहनत से तराशा हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं नासा के रोवर द्वारा मंगल ग्रह की एक तस्वीर की, जिसमें एक गुफा के दरवाजे जैसी आकृति दिख रही है। ये दरवाजा इतना सटीक है कि इसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी ने बड़ी मेहनत से तराश कर बनाया हो। पूरी तस्वीर देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये दरवाजे नुमा आकृति
किसी गुफा की छोटी सी दरार है और कुछ नहीं। हालांकि जूम करके देखने पर यह बिल्कुल किसी सटीक गुफा के दरवाजे जैसा लगता है, जैसे पृथ्वी पर इंसान तराश कर बनाते हैं।